हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने साइक्लिसिटी टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने साइक्लिसिटी टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रीवियस लेक्चर में जाइए और साइक्लिसिटी पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जो ये साइक्लिसिटी है किसके काम आती है, मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट निकालने के काम आती है। तो ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी आपका मैथमेटिक्स जिस भी पेपर में आ रहा है, किसी भी पेपर में मैथमेटिक्स आ रहा है जिसमें नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम के अंदर ये सब पेपरों के लिए कंप्लीट कंसेप्ट बता रहा हूँ। कुछ भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जा रही है, सब आपको बेसिक से बताया जा रहा है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे लेक्चर पर। तो यूनिट डिजिट बोल रहा है, यूनिट डिजिट निकालो इसका, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, ये जो 9 की पावर 124 है इसको सॉल्व करोगे एक नंबर आएगा, 9 की पावर 401 है इसको सॉल्व करोगे एक नंबर आएगा, लास्ट वाले डिजिट का प्लस करोगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो वो जो डिजिट आएगा वो बताना है आपको वो क्या है, ठीक है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था जो 9 होता है और जो 4 होता है, इन दोनों नंबर्स की साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर इन दोनों नंबर्स की साइक्लिसिटी 2 होती है तो इसको 2 से डिवाइड करना है, पावर को किससे डिवाइड करना है, 2 से। और आप देख रहे हो ये पूरी पावर कट रही है, 124 2 से कट रहा है, और जैसे ही 2 से कट रहा है तो इधर रिमाइंडर लिखना होता है, ठीक है। अब रिमाइंडर इस केस में 0 आ रहा है, मगर याद रखना जब भी रिमाइंडर 0 आए तो आपने 0 नहीं लिखना है, जो साइक्लिसिटी है वो ही लिख देनी है, 2 लिख देना है, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। अब प्लस 9 की पावर 401, अब 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2, तो 401 को 2 से डिवाइड कर लो, 401 को 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा, 220 का 400 रिमाइंडर आया 1, तो रिमाइंडर वो ही लिखना है, ठीक है। इधर 9 आ गया ऐसे, अब 9 की पावर 281 होती है और ये 9, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आता है 90, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको इससे भी शॉर्टकट एक ट्रिक बताना चाहता हूं, वो क्या है कि आप साइक्लिसिटी देखो, मैंने आपको साइक्लिसिटी का मीनिंग क्या बताया था, अगर 9 की पावर 1 करेंगे तो 9, 9 की पावर 2 करोगे 81, 9 की पावर 3 करोगे तो लास्ट का यूनिट डिजिट में 9 आएगा, और 9 की पावर 4 करोगे तो लास्ट के यूनिट डिजिट में 1 आ जाएगा। तो जो यूनिट डिजिट है वो 2-2 के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए 9 की साइक्लिसिटी 2 है। मैं इसको इतनी तेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, साइक्लिसिटी 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 9 के नंबर ऐसे और 91 91 91 91 ऐसे रिपीट हो रहे हैं ना, तो अगर ये 2 के बाद रिपीट हो रही है तो मैं तो इसको ये भी बोल सकता हूं ना, 4 के बाद भी रिपीट हो रहे हैं, 9 मैंने तब आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, 2-2 के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो आप तो ये भी बोल सकते हो 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो एक काम करो, जो आपको 2 से डिवाइड करना आप इसको 4 से डिवाइड करो, सीधे किससे डिवाइड करो, 4 से, हर क्वेश्चन को 4 से कर लो, तो वो भी आपके लिए बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। अब कैसे देगा, एक क्वेश्चन से तो बच्चों समझ आने वाला नहीं है, मैं आपको और क्वेश्चन दिलाता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, साइक्लिसिटी पूरा पक्का कर लेंगे, दिमाग में बिठा देंगे, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी यही कोशिश है कि आपके दिमाग में साइक्लिसिटी ऐसे बिठा दो कभी भूल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 1037, तो ये 2 है ना, अब आपको 2 की साइक्लिसिटी याद करनी है, तो मैंने आपको बताया था एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, इन चारों की साइक्लिसिटी 4 थी, ठीक है। तो अब आपने इस नंबर को, 2 की साइक्लिसिटी 4 है तो इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, 1037 को 4 से क्या करना है, डिवाइड, तो देख लो क्या आता है, करके देख लो, 4 2 8, ठीक है, ये आ गया 237, आई होप आप समझ रहे होंगे, फिर 4 5 20, ये आ गया 37, फिर किससे कटेगा, 4 9 36, तो रिमाइंडर आ रहा है 1, तो जब आपने इसकी इसको 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 1, तो रिमाइंडर लिखना है। और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, तो यूनिट डिजिट इसका लास्ट में 2 ही आ रहा है, आपको यूनिट डिजिट देखना है, आएगी तो बहुत बड़ी टर्म, मगर आपको ये कंसेप्ट यूज करना है, तो इसको ऑप्शन है सी, इसको ऑप्शन है सी, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो 9
1 9 1 9 1 9 1 दो के बजाय आप चार का पेयर बना लो। उसको मैंने आपको इसलिए बताया, जैसे आप देखो टू को, ये जो टू है उसकी पावर को आपने चार से डिवाइड किया है ना, तो आप टू की पावर को चार से डिवाइड किया, थ्री होता उसकी पावर को चार से डिवाइड करते, सात की पावर को चार से डिवाइड करते, आठ की पावर को चार से डिवाइड करते। क्यों करते चार से डिवाइड? क्योंकि इन सबकी साइक्लिसिटी चार है। अच्छा, दो दो साइक्लिसिटी किसकी है? एक नाइन की और एक फोर की, इन दोनों की साइक्लिसिटी टू है। ठीक है, तो नाइन का केस बता रहा हूं, नाइन वन ये ऐसे चलेगा, और फोर का केस बताऊंगा, फोर वन जा फोर, फोर टू जा सिक्सटीन, फोर वन जा फोर, फोर टू जा सिक्सटीन, ये ऐसे चलेगा। तो क्यों ना इनको भी चार चार ही चला दिए जाए। तो अब आप याद रखना, नाइन हो, फोर हो, टू हो, थ्री हो, सेवन हो, एट हो, सबको चार से डिवाइड कर दो, तो ये और आसान हो गया। आप बिल्कुल नहीं घबराइए, मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चनों में हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये जो भी छोटे मोटे आलतू फालतू पेपर है ना जिनमें मैथ आ रहा है, ये आप सब कर लोगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 41। तो ये क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है, अब 13 है ना, आपको निकालना है यूनिट डिजिट। तो आप बोलोगे सर आपने तो 13 की साइक्लिसिटी बताई नहीं थी। मैंने आपको सच में नहीं बताई है, मैंने आपको साइक्लिसिटी किसकी बताई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि डिजिट इन्हीं से सब बनते हैं नंबर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? यूनिट डिजिट। ठीक है, तो फिर मेरे को बताओ मेरे चटोरों, आप अगर यूनिट डिजिट निकालोगे तो यूनिट डिजिट ही देखना ना, है ना? फिर क्यों देखना है पूरा नंबर? यूनिट डिजिट ही देखना है, और यूनिट डिजिट में कौन है? 3। तो इधर लिखेंगे 3, ये पावर 41। ठीक है, अब दिमाग घुमाओ, अब देखो कि 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, घुमाओ दिमाग। 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। अगर बाई चांस, अगर बाई चांस आपके पास इधर होता 2, ठीक है, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो फिर 2 की पावर 41 लेनी थी। अगर बाई चांस आपके पास इधर होता 9, तो 9 की पावर 41 लेनी थी, मगर 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2, तो 2 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आएगा 1। मैंने आपको बोला 9 और 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। मगर मैंने आपको अभी इससे पहले बताया, आप 2 से भी कर सकते हो और 4 से भी कर सकते हो। तो आप बात अपने दिमाग में बिठा दो, चाहे 9 हो चाहे कोई भी हो, सबको 4 से कर दो। बस किस किस को नहीं करना, ना 0 को करना, ना 1 को करना है, ना 5 को करना है, और ना 6 को करना है। क्यों? आप इनकी जितनी मर्जी पावर करो, यूनिट डिजिट में 0 का 0 ही आना है, 1 का 1 आना है, 5 का 5 आना है, 6 का 6 आना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन था आपका 13 की पावर 41, तो यूनिट डिजिट देखेंगे 3 की पावर 41, इसको करेंगे 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर आया 1। बच्चों रिमाइंडर क्या आया? 1, और 3 की पावर 1 होती है 3, तो इधर भी कुछ आएगा मगर आपको ये होगा यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट ए ऑप्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर बाय चांस यही क्वेश्चन ऐसा होता 13 की पावर 44, तो आपने क्या करना था? 3 की पावर 44, अब इसको करना 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। मगर याद रखना, अगर रिमाइंडर 0 आता है और आपने किससे डिवाइड किया? 4 से, तो आपको 0 नहीं लिखना, आपको 4 ही लिखना है। क्या लिखना है? 4। तो 3 की पावर 4, आपको पता ही है 3 की पावर 4 होती है 81, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। तो ऐसे ऐसे करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को अभी ही कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करोगे तो सच बता रहा हूं, हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलती है लेक्चर बनाने में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ईजी है कि बंदा इसको बिना सोचे भी सॉल्व कर सकता है। देखो 5 है ना, तो यूनिट डिजिट निकालना है, आपके पास 5 है। मैंने बोला 5 की पावर जो मर्जी हो, डिवाइड ही नहीं करना, उसका आंसर 5 ही आएगा। क्यों? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी पावर बढ़ाते जाओ, जितनी मर्जी बढ़ाओ, लास्ट में यूनिट डिजिट की सही आएगा। ठीक है, तो अगर ये 45 है और इसकी पावर जो मर्जी करो, तो लास्ट में आपको 5 ही मिलेगा।
आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने अब है फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिए तभी आपको आएगा। अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो आपको मैथ कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दो नंबर है, बीच में प्लस है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा और इसका यूनिट डिजिट होगा उन दोनों को प्लस करूंगा और जो लास्ट का नंबर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट है 9, वही देखना 9 की पावर 4, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट है 7, वही देखना 7 की पावर 5। अब 9 की पावर 4, तो इसको 4 से डिवाइड करना है, है ना। तो 0 आएगा रिमाइंडर, और ये तो 0 जब आएगा तो मैंने बोला 4 ही लिखना है। अब 9 की पावर 4, आपको पता है 9 की एक बार पावर करो लास्ट में 9 आता है, दो बार करो 1 आता है, तीन बार करो 9 आता है, चार बार करो तो 1 आता है। तो इसका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 1 प्लस। अब आ गया दूसरा नंबर आपके पास 7। अब 7 की पावर 5, इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है। तो 1 प्लस 7 कितना होता है 8, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना है 8। आई होप आप समझ गए। तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है जो हम कभी सोचते भी नहीं थे, वो इतने इजी है, ठीक है। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ, आपने इसका लास्ट डिजिट बताना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसमें भी, देखो इससे आप 4 की पावर 5 लिख दो, इससे आप 5 की पावर 5 लिख दो और 5 की पावर 1 अलग कर दो, पता ना आपको बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। आई होप ये सबको पता होगा, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को मिला लो, इन दोनों की पावर है सेम, तो 4 5 की पावर 5 और ये आ गया 20 की पावर 5। जैसे 20 की पावर 5 आया तो आपको 0 दिख गया, और आपको पता है जब भी कोई 0 आता है उसको आप जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही आता है, ठीक है। आप खुद देख लो 20 आता है, आप उसको जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो जिस मर्जी से लास्ट में 0 तो आने आता है। तो इसको इसको उस चक्कर में करना ही नहीं था, सीधे ऐसे हो गया लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको क्या करना है पूरा खुद से सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन क्या था आप मेरे को बता सकते हो, 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 था शायद, और 5 की पावर 6 था, है ना, ये क्वेश्चन था। अब किसी को वैसे नहीं करना है तो वो ऐसे कर ले 3 की पावर 4, तो आपको पता है इसका यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 81 होता है, तो यूनिट डिजिट आया 1, ठीक है। 4 की पावर 5, इसको किया 4 से डिवाइड तो रिमाइंडर आया 1, 4 की पावर 1 होता है 4। 5 की पावर जो मर्जी करो इसने 5 ही रहना है, तो ये सब इसके यूनिट डिजिट है, इन सबको करना है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया तो आता है 20, तो यूनिट डिजिट फिर 0 आता है, ठीक है। आपकी चॉइस है, जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। मेरी कोशिश है आपको मैथ में ऐसा कर दूंगा, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, ठीक है। अब इसका बताना, अब ये 3 की पावर है 41, तो इसको डिवाइड करना है, 4 से रिमाइंडर आया 1, ठीक है। 7 की पावर है 42, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो कोई बोलेगा 0, है ना, बोल सकता है ना, ठीक है, मगर 0 नहीं आएगा। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2, 4 10 40 और रिमाइंडर आया 2। 43 को अगर 42 का रिमाइंडर 2 आया है तो 43 का क्या आएगा, 10 आएगा, हाँ कोई बोल रहा 10 आएगा, 10 नहीं आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 7 की पावर 2 यूनिट डिजिट ही लेना है, 7 की पावर 2 49 आता है, 49 का यूनिट डिजिट आता है 9, ठीक है। 8 की पावर 3, तो मैं आपको बता दूं 8 8 कितने होते हैं 64, एक और 8 लगाया तो 8 4 कितने होते हैं 32, तो लास्ट में आएगा 2। आई होप आप समझ गए होंगे, इन सबको करो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 2 6 6 आ गया, ठीक है, और ये आ गया 9 6 × 9, बताओ कितना होता है, शाबाश, कितना होता है 54, मगर आपको तो यूनिट डिजिट चाहिए, तो इसका आंसर आएगा क्या 4। आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसी ट्रिक बताई है मैंने आपको कि आप बड़ी जल्दी सॉल्व करोगे ये क्वेश्चंस को, बेशक आप में से कुछ बच्चों को आते भी होंगे, मगर मेरा सोच ये है कि शुरू से स्टार्ट करेंगे
और एकदम धमाल मचा देंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने करना है और इसका आंसर बताना है क्या आएगा। आई होप आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा और उसके बाद मैं इस लेक्चर को आज इधर ही खत्म करूंगा। कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ x इज ए रियल नंबर एंड x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 इज इक्वल टू 1232, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो साइक्लिसिटी पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये SSC के पेपर में आया हुआ है, ध्यान से सुनना फिर, ठीक है। अब आपको पता है हम हर नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो देखो मैंने क्या किया, ये आपके पास नंबर है x की पावर 7 माइनस x की पावर 3, बोलता है ये भी एक नंबर है, मतलब कुछ होगा ना 81 की पावर 7 ऐसे कुछ करके, और ये होगा 81 की पावर 3, है ना। अब मेरे को पता नहीं है क्या है, तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इन दोनों का माइनस करने पे ये बनता है, इन दोनों का माइनस करने पे ये बनता है, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 2, क्योंकि नंबर दिया हुआ है आपको। आपको क्या दिया है, x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 एक नंबर है, और वो नंबर को उन्हें सॉल्व करने के बाद 1 2 3 2, मतलब आपको यूनिट डिजिट मिल गया। बोलो समझ आया, मेरे साथ सब बोलेंगे समझ आया, ठीक है। आपको यूनिट डिजिट दे दिया। अब मैथ का रूल है, ये इक्वेशन है इक्वेलिटी, तो इसका यूनिट डिजिट भी मस्ट बी 2 होना चाहिए। बोलो समझ आया, ये बड़ी बड़ी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप जुड़िए, आपको सब मैथ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। आपको आगे फिर बार बार मैथ से डरने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका यूनिट डिजिट तो 2 है, कैसे पता चला, तो आपको क्वेश्चन में दिया है, इसका यूनिट डिजिट भी 2 होना चाहिए, क्यों, बीच में इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, देखो ये 4 से बड़ा है, इसको पावर को 4 से किया डिवाइड, आया 3। बोलो समझ आया, रिमाइंडर ही देखते हैं ना, ठीक है, वो 4 से छोटा है। अब देखो, अब मैं अगर मेरे 9 से पावर 2, मैं इसको 4 से डिवाइड करता था, नहीं मैं इसको सीधे लिखता था 81, तो वो 4 से छोटा है, उसको वही लिखा। अब ये दोनों सेम हो गए, इनका आंसर आ गया 0, है ना। अब इनका यूनिट डिजिट क्या आ गया, नंबर तो कुछ होगा ऐसे, तो 0 ही आया ना यूनिट डिजिट, मगर इसका यूनिट डिजिट पूरा क्या आना चाहिए था, तो ये तो 0 आ गया, तो देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसी कंडीशन में x निकलेगा ही नहीं, उसे बोला कितनी वैल्यूज निकलेंगी, आप बोलोगे कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, लेवल बढ़ा दिया ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आप मेरे चैनल के साथ जुड़ोगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन बता देना चाहता हूं, ठीक है, वो आप करिए, वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए, ठीक है। वो क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 121 की पावर 5719 इंटू 3 की पावर 210, इसका आप मेरे को यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को से घबराइए मत, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपने ऐसे ही करने हैं जो मैंने कंसेप्ट लगाया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वो है ना जिसमें आपको कंसेप्ट लगाना पड़ता है, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, मिलेंगे कल के लेक्चर में। कल हम क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। और आप बेल आइकन पे क्यों क्लिक करोगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जो कब अपकमिंग हमारे चैनल पे वीडियोस है उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज हमसे जुड़िए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बताइए मैथ सेक्शन में। मैथ्स कंप्यूटर मैं खुद देख रहा हूँ, करंट अफेयर्स मैं खुद देख रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक अपना नंबर भी शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसके अंदर हम कुछ चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, हमारी पूरी टीम को आपका साथ चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।